जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बेहतर, शानदार और लाजवाब होंगे। दोस्तों, आपका जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम होने वाला है 7 तारीख से, आपका 7 मार्च से, उसका साथियों जो सीटों की संख्या थी वो अभी तक निर्धारित नहीं थी, लेकिन अभी साथियों तुरंत ही सीटों की संख्या आ चुकी है, जिसमें साथियों टोटल वैकेंसी जो है वो बढ़ा दी गई है। और टोटल वैकेंसी अब है साथियों 1,02,028 वैकेंसी, जो कि साथियों अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है साथियों, इतनी की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, तो अगर अगर साथियों अलग अलग बात करें तो उसको भी हम देखते हैं, और साथ में अदर स्टेट वालों को जो है कितने पदों पर मौका दिया जाएगा यहाँ पर, वो भी हम जानने वाले हैं। तो साथियों छोटी सी वीडियो है, जरूर देखिएगा। देखिए साथियों, जो पीआरटी यानी कि प्राइमरी में बात करें तो आपका 28,537 पद है, ठीक है, जिसमें से साथियों आपका 25,000 प्लस जो है ये आपका सामान्य पीआरटी है, और उर्दू बांग्ला आपका इसके अलावा सभी में भर्तियां आई हुई हैं। साथ में बात करेंगे साथियों जूनियर की, तो अगर हम 6 to 8 की बात करें तो यहाँ पर 19,977 पद आए हुए हैं, जिसमें साथियों मैथ और साइंस के बहुत ज़्यादा पद आए हुए हैं, यानी कि इसमें 3562 जो है ये मेल और फीमेल का यानी कि जनरल कैटेगरी है, और अगर वहीं पर केवल महिलाओं की बात करें तो 2552 पद जो है ये केवल फीमेल के हैं, किसमें, मैथ एंड साइंस में। इसी प्रकार हिंदी के साथियों 2800 से ज़्यादा पद आए हुए हैं, SST के बहुत ज़्यादा पद हैं, तो यहाँ पर पदों की संख्या बहुत है साथियों। और इसके बाद 9-10 यानी कि TGT की बात करें तो हम 23,340 पद जो है यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी मात्रा में है। और वहीं पर साथियों 11-12 यानी कि PGT की बात करें तो 30,174 पद आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बड़ी जो है भर्ती आ चुकी है, और बड़ा मौका है आप सभी के लिए एक जो है फटाफट और जल्दी वाली नौकरी पाना, ठीक है। तो देखिए साथियों अदर स्टेट की बात करें तो बीपीएससी 3.0 में पीआरटी में पुरुषों की सिर्फ जो है कितना अदर स्टेट के लिए कितना है 2976 पद हैं, और अदर स्टेट महिलाओं के लिए साथियों 2485 पद, यानी कि इतने पद जो है जनरल कैटेगरी के हैं ये महिलाओं के, और पुरुषों और महिलाओं का तो एक में यानी कि ये जनरल कैटेगरी का रहता है, क्योंकि आपका जो है 50% के करीब को जो है महिलाओं को आरक्षण मिलता है, और जो 50% सीटें बचती हैं उसमें महिला और पुरुष दोनों रहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है एक बड़ी भर्ती है साथियों। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, और साथियों आगे जो है नई न्यूज़ के लिए और तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए इसका PDF पाने के लिए, ठीक है। तो धन्यवाद।